चिकन कौरमा, इसके अलावा बिरयानी है, यहाँ पर दाल है और यहाँ पर देखें ये नान है बहुत ज़बरदस्त किस्म के। इसके अलावा एक छोटा सा गुलाब जामुन है मीठे के लिए। समोसे हैं, क्या लेके आए? रिफ्रेशमेंट में समोसे, ये भी साथ है टिकट के? जी जी टिकट के साथ है भाई, आलू के समोसे मिल रहे हैं भाई। आप टिकट के साथ नाश्ता भी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है भाई। आगे हैं, बॉक्स नहीं मिल रहा भाई का, हमें तो माँ मिली है, चाय भी मिल गई है। सफ़र आपका चल रहा हो, एक कप चाय आ जाए, सफ़र का मसाला दोबाला हो जाता है। माँ भाई क्या बात है, चाय भी है इन्होंने और यहाँ पर देखें अंडा भी दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जेली भी दी है और मक्खन भी इन्होंने दिया हुआ है ब्लू बैंड का, ज़बरदस्त। दिखाएं ना, खोल के दिखाएं क्या क्या है इसके अंदर। ये है टूथब्रश दिया आपको फ्री में, दिया ये फ्री में दिया। सफाई वफाई चल रही है गाड़ी के अंदर फुल, ज़बरदस्त है भाई। यहाँ पर हमें जूस भी मिला भाई, ये जूस फ्री में? जी जी। कौन सा जूस है? टिकट के अंदर है। हाँ भाई, जूस कैसा लग रहा है भाई? आप अपने ही शहर से बाहर निकलते हैं अपने ही मुल्क की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या आप बस से जाएं या आप ट्रेन से जाएं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ट्रेन से जाएं, लेकिन इसमें सवाल भी ये होता है कि भाई ट्रेन कौन सी हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 5 अप ग्रीन लाइन, जो कि कराची से जाती है मारगिल्ला और टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेन है। आज हमारा सफ़र होगा कराची से लेकर रावलपिंडी तक, आपको दिखाएंगे कि इस ट्रेन के अंदर क्या सहूलियात है और कुछ लोगों से बात भी करेंगे इस पूरी जर्नी का, आप हमारे साथ रहिएगा। सकते हैं ट्रेन ने विसल दे दी है और लोगों ने अपनी अपनी जगहों पर चढ़ना शुरू कर दिया है। सही, ट्रेन कराची स्टेशन से रात 10 बजे रवाना हुई तो वेटर जूस लेके हमारे लिए खड़ा हुआ था, जो हमें काफ़ी अच्छा लगा भाई। यहाँ पर हमें जूस भी मिला भाई, ये जूस फ्री में? जी जी। कौन सा जूस है? टिकट के अंदर है। हाँ भाई, जूस कैसा लग रहा है भाई आपको? भाई थोड़ा आराम करने के बाद हम पहुंच गए हैं रोड स्टेशन और थोड़ी देर के बाद गाड़ी यहां से डिपार्चर करेगी। और मज़े की बात है कि आप धुन दिखा दें, सिग्नल ग्रीन हो गया है और देखिए अंडे गरम, बर्गर गरम, तमाम चीज़ें देखिए आपको यहां मिलती हैं। और हम अपना सफ़र अभी आगे स्टार्ट करते हैं, आपको कराची से लेकर रावलपिंडी तक इस पूरे सफ़र को दिखाएँगे। दिखाएँ ना, खोल के दिखाएँ क्या क्या है इसके अंदर। ये है टूथब्रश दिया आपको फ्री में, दिया है ये फ्री में दिया है ग्रीन लाइन के अंदर फ्री है ये सारी चीज़। अच्छा, ये एसी स्टैंडर्ड वालों के लिए? जी हाँ, एसी स्टैंडर्ड। और क्या क्या दिया है दिखाएँ? ये देखें यार, इसके अंदर कंघी है, कंघी भी दी है और इसके अलावा दिखाएँ रेजर भी है। खोलना दादा। जी जी, कंघी है, सही है, ये रेजर है, शेविंग रेजर भी दिया हुआ है। वाह, मतलब कि इतना सारा आपने जमा कर लिया, आपने तकरीबन 13 टिकटें हैं भाई। देखिए ग्रीन लाइन टू ग्रीन लाइन का सामना हो रहा है। जय ईमान भाई, माशाल्लाह टिकट के साथ नाश्ता भी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो सही है, सफ़र सही है, मतलब सहूलत सही है, सफ़र भी बेहतरीन है, सही है। आप देखिए माशाल्लाह से नाश्ता भी मिल रहा है। नाश्ता? हाँ भाई, आप भी खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? बताओ, मेरा बॉक्स ही क्या है? अपने बॉक्स की पड़ी है, आप रिव्यू दो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, लेकिन अब खा के पता चलेगा ना। खा के ये देखें भाई, आगे हैं, बॉक्स नहीं मिल रहा भाई का, हमें तो माँ मिली है, चाय भी मिल गई है। सफ़र आपका चल रहा हो, एक कप चाय आ जाए, सफ़र का मसाला दोबाला हो जाता है। माँ भाई क्या बात है, चाय भी है इन्होंने और यहाँ पर देखें अंडा भी दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जेली भी दी है और मक्खन भी इन्होंने दिया हुआ है ब्लू बैंड का, देखो ज़बरदस्त। देखिए इस वक्त देख सकते हैं आपके पंजाब का सबसे खूबसूरत शहर भागलपुर आ रहा है और अभी आप इसको दिखाऊँगा, नूर महल की तर्ज के ऊपर ये स्टेशन बनाया है, अभी आएगा देखें आप। व्यू चेक करो यार, आउट क्लास है यार। तो खाना भी यहाँ से सर्व होता है और ये एस जमीर एंड कंपनी ये खाना पूरा सर्व करती है। ये आप देखें खाना सारा जा रहा है, अभी ये कोचेस में चढ़ाया जाएगा, देखें आप। आगे जी सर, माशाल्लाह, ये सब हमारे हैं जी आपके। ये देखें भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भाई, ये आप खोल के, खोल के हम देखें, अनबॉक्सिंग हम करेंगे। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। देखें भाई, और ये खाना भी आपको 5 स्टार होटल का मिलता है, ये भावलपुर से चढ़ता है भाई। देखें खाना आ गया है ट्रेन में और एसी स्टैंडर्ड के अंदर, आप देखें 8,400 रुपये का टिकट है, नाश्ता जूस वगैरह उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्पेस में खाना। खाना देखें, उसको अनबॉक्सिंग करते हैं आप, और मज़े की बात यह है कि ये खाना आपको बहुत ही मयारी मिलता है। और ये देखें, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी खाना ये लोकल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, वही भावलपुर से चढ़ता है और उसके बाद खाने वाले के बाद यहाँ पर लोगों को सर्व किया जाता है।
सबसे पहले आपको दिखाऊँ, यहाँ पर है चिकन कौरमा, इसके अलावा बिरयानी है, यहाँ पर दाल है, और यहाँ पर देखें ये नान है बहुत ज़बरदस्त किस्म के। इसके अलावा एक छोटा सा गुलाब जामुन है मीठे के लिए। यहाँ पर ये स्पून है, स्पून के बाद यहाँ पर एक दूध पिक दी गई है। इसके अलावा आपने देखें एक छोटा टिशू दिया गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, मज़े की बात है। रायता भी साथ है और रायता भी ब्रांडेड है, ज़बरदस्त। भाई खा रहे हैं, भाई से पूछते हैं, भाई कैसा है खाना वगैरह? बहुत अच्छा खाना है, सही है, ज़बरदस्त। बहुत सारी वैरायटी दी हुई है आपने, जैसे बताया बिरयानी है, चिकन कौरमा है, दाल है, गुलाब जामुन है, रायता है। और क्या तो चाहिए भाई? आप भी आए और इस खाने को एक्सप्लोर करें। मैं अगर खाऊं हल्की सी बिरयानी खाऊं, कसम बुझा के दाल कराची वाली फीलिंग आ रही है, आउट क्लास। और दाल बहुत ज़बरदस्त है, इधर आ जाओ, आउट क्लास है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जब खाएंगे आप खुद बोलेंगे यार खाना मियारी है। ट्रेन के अंदर खाना मियारी होता नहीं है, देखें यार खाना मियारी है। देखें ये है रायता, देखो भाई ये आ गया भावलपुर का वेज। आप में जैसे स्टेशन शुरू होते हैं तो खाने वाल पे इस तरह का स्टेशन ओकाड़ा है, रायबंड है, भावलपुर है, तो काफ़ी सारे स्टेशन हैं। गाड़ी हमारी रुकी हुई है 20 मिनट, और देखें दिखाएं भाई पानी भरा जा रहा है। देखें यहाँ से सिर्फ पानी भरा जाता है, और अगला जो हमारा स्टाफ होगा वो होगा लाहौर। गाड़ी आज हमारी 55-50 मिनट लेट है। देखें भाई गाड़ी हमारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और सिर्फ अभी 30 मिनट लेट है। अभी भाई रायवंड आ रहा है, रायवंड आ रहा है भाई। स्टेशन आपको दिखाते हैं, रायवंड स्टेशन कैसा है भाई। रायवंड स्टेशन देखो आप, बिल्कुल लाहौर तर्ज के ऊपर बनाया गया। लाहौर का स्टेशन बिल्कुल ऐसा ही है, लाहौर का किला देखो, बिल्कुल किले की तरह बनाया है स्टेशन, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें भाई गाड़ी के मोड़ने में, ये देखो तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, तो वहाँ पर यहाँ पर बहुत काफ़ी रश लगा होता है। अब देखें भाई लाहौर स्टेशन हम पहुँच गए माशाल्लाह। अभी अभी भाई लाहौर पहुँच गए, जी जी लाहौर पहुँच चुके हैं भाई, लाहौर पहुँच गए। आप देखें पर आपके लिए VIP वाशरूम दिया गया है एस जेमिलन कंपनी ने, जहां आप अंदर जाए और एयर कंडीशन वाशरूम है, WC भी है, टॉयलेट भी है, तमाम चीज़ें मौजूद। तो भाई देखें लाहौर से ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, यानी कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद। कोई स्टॉप नहीं है, सिर्फ चकलड़ा रुकेगी, उसके बाद रावलपिंडी, उसके बाद इस्लामाबाद। तो चलें इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रिफ्रेशमेंट में समोसे हैं, क्या लेके आए? रिफ्रेशमेंट में समोसे, ये भी साथ है टिकट के? जी जी टिकट के साथ दिखाएं भाई, आलू के समोसे मिल रहे हैं भाई यहाँ पर, ये सब कुछ टिकट में मिल रहा है, क्या बात है यार। देखो समोसे ज़बरदस्त है, चटनी भी है इसके अंदर, देखो सब सबको मिल रहा है। देखो भाई वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन से इस वक्त हमारी गाड़ी गुजर रही है, और मेरे बिल्कुल इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पीछे एक गाड़ी और गुजर रही है, वो है 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, और काफ़ी अच्छा सफ़र चल रहा है अभी तक हमारा माशाल्लाह। वाह भाई वाह, देखो भाई ये क्लासिक है। भाई आप देखें ये शाहरा फैसल नहीं है बल्कि ये रावलपिंडी है, और आउट क्लास सफ़र रहा हमारा, और हम रावलपिंडी पहुंच गए। वही शाहरा फैसल वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर खूबसूरती है, यहाँ पर सफाई है, और बदकिस्मती से कि हमारे शहर कराची के अंदर सफाई नहीं है। लेकिन सफारी ट्रेन खड़ी हुई है, और ये टूरिस्ट ट्रेन होती है, और ये आ गया है रावलपिंडी। भाई देखें ये हर संडे को जाती है, और टूरिस्ट ट्रेन ज़बरदस्त है, और हर संडे को चलती है एक रावलपिंडी से अटल खोड़ो। भाई देखें बहरहाल हम रावलपिंडी स्टेशन पहुँच गए, और इतना सारा सामान मैंने आज तक कभी नहीं देखा 10 दिन के टूर में। ये सिर्फ इसलिए है कि दुकानों में सर्दी बहुत है, उन्होंने डबल टेबल चीज़ें रख ली हैं। 1 घंटा 45 मिनट लेट आई है, कोई इशू नहीं है, अभी जाएंगे आज बारगेला, और आज तक कुछ काम हो जाएगा। और वीडियो को एंड करके हमारे फेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।